हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिल किया है। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन शेष बचे हुए हैं फॉर्म भरने के लिए। अगर हम लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो देखिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म 27 अगस्त से पहले आप लोग भर दीजिए। आज तारीख हो गई है 25, तो 27 अगस्त से पहले आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए। तो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए सेफ जोन क्या रहेगा और अभी तक टोटल फॉर्म कितने फिल किए गए हैं और सबसे डेंजरस जोन जो है, सबसे खतरनाक जोन है, वो कौन सा जोन है, इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा कमेंट्स बच्चों का यही आ रहा है कि सबसे ज़्यादा फॉर्म किस पोस्ट पर भरे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है ना, टेली कम्युनिकेशन पर भरे जा रहे हैं। तो देखिए, इस पोस्ट पर आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिशन भी देखने को मिल सकता है आगे चल के। सबसे ज़्यादा फॉर्म किस राज्य में आ रहे हैं वो भी जान लीजिए आप लोग। सबसे ज़्यादा जो फॉर्म है ना, चित्तौड़गढ़, नागौर, झालावाड़ और बाड़मेर से सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है ना, सबसे ज़्यादा फॉर्म 4 राज्यों से आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ हुआ, नागौर हुआ, झालावाड़ और बाड़मेर। सेफ ज़िला कौन सा होना चाहिए? तो देखिए, सेफ ज़िला की अगर हम बात करें तो सेफ ज़िला कौन सा होना चाहिए जिससे हमारा 15 गुना में फिजिकल हो जाए, इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा कि सेफ ज़िला कौन सा होना चाहिए जिससे कि आपका 15 गुना में फिजिकल हो जाए। देखिए, जिनका स्कोर 150 से 160 के अंदर है या 170 के अंदर है, और अगर आपकी कैटागरी जिस ज़िले से 4 से 5 पोस्ट हैं, आप वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके 150 से 160 के अंदर का नंबर है या 170 नंबर अगर आपके हैं, तो आप और आपकी अगर कैटागरी जिस ज़िले में ज़्यादा है, जिस कैटागरी में फॉर्म ज़्यादा हैं, आप उस ज़िले से 4 से 5 पोस्ट पर आओ, वहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, जिन बच्चों के नंबर अगर ज़्यादा भी हैं, जिन बच्चों के अच्छे नंबर हैं, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, वो 15 कैटेगरी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि किसी ज़िले में 15 कैटेगरी की पोस्ट हैं, तो जिन बच्चों के ज़्यादा नंबर हैं, तो वह बच्चा 4 से 5 पर नहीं बल्कि 15 पोस्ट पर फॉर्म जो है वो फिलअप करेगा। इसलिए आप सोच समझकर फॉर्म भरें जिससे कि आपका 15 गुना में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे हैं जिनके नंबर 160 हैं, 170 हैं, 150 से 160 के बीच में जिन बच्चों के नंबर हैं, वो बच्चे सोच रहे हैं कि किस ज़िले से फॉर्म लगाएं ताकि हमारा 15 गुना में सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, अभी तक तो आज तारीख हो गई है 25 अगस्त, तो 25 अगस्त को देखते हुए अभी तक 15 गुना में अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आपको नंबर के अनुसार आपको फॉर्म फिल करना होगा। जैसे कि 4 से 5 पोस्ट के लिए आपको जिस कैटेगरी में, जिस ज़िले में आपकी कैटेगरी में जिससे ज़्यादा फॉर्म है, उस पर आपको फॉर्म लगाना होगा जिस ज़िले में भी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टोटल फॉर्म की। तो टोटल फॉर्म अभी तक कितना फिल किया गया है, 7 अगस्त की अगर हम बात करें तो देखिए, 7 अगस्त का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था 95081137, और 24 अगस्त की अगर हम बात करें, कल की हम बात कर रहे हैं, कल की डेट की, 96042597, ये आंकड़ा हमें बच्चे ने दिया है। और टोटल फॉर्म अभी तक 1.40 लाख फॉर्म अभी तक भरा जा चुका है, और शेष आज का दिन मिला के यानी 25, 26 और 27 शेष आप लोगों के पास, आज का दिन छोड़ के आप लोगों के पास 2 दिन शेष बचे हुए हैं। और इन 2 दिनों में ये मान लीजिए कि बम्पर फॉर्म पड़ेगा, ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल एकदम। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो बच्चे सोच रहे थे कि अभी मैं फॉर्म फिल नहीं करूंगा, मैं लास्ट में फॉर्म फिल करूंगा, तो अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि 2 दिन में फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा भरा जा सकता है। और इसमें देखिए कॉम्पिटिशन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि 3500 कुछ करके इसमें देखिए वैकेंसी थी, और अभी तक इसमें 1.40 लाख जो है ना, 1,40,000 फॉर्म अभी तक भरा जा चुका है, अभी तक टोटल फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखते हैं लास्ट 2 दिनों में टोटल फॉर्म कितना फिल किया जाता है, उसका आंकड़ा तो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आपके मन में अगर किसी चीज़ को लेके कि किस जोन से हम फॉर्म फिल करें, क्योंकि
आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन शेष बचे हुए हैं फॉर्म भरने के लिए। और सबसे ज़्यादा मैंने आप लोगों को बताया कि चित्तौड़गढ़, नागौर, झालावाड़ और बाड़मेर से सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा गया है। सिर्फ जिला कौन सा होना चाहिए, 15 गुना में कैसे फिजिकल हो जाए, नंबर के अनुसार, नंबर का आंकड़ा है 150 से 160 के अंदर, 107 170 के अंदर इनका आंकड़ा बन रहा है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको ये देखना है कि किस राज्य में आपकी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा फॉर्म है, उस कैटेगरी में आपको फॉर्म लगाना होगा। अगर आपके 150 से 160 170 नंबर अगर हैं तो देखिए, जिन बच्चों के इसके ऊपर नंबर हैं, जिन बच्चों के अच्छे नंबर हैं, वो बच्चे तो देखिए कम से कम 15 कैटेगरी से वो फॉर्म भरेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और फॉर्म की संख्या अभी बढ़ सकती है, अभी कोई क्लियर नहीं है कि अभी टोटल फॉर्म कितना भरा गया है, थोड़ा इंतज़ार करना होगा लास्ट डेट का। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी अगर हो जाती है, अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो उसकी भी डेट दी गई है, यानी कि 28 तारीख से आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं अगर आपके फॉर्म में गड़बड़ी हो गई है तो, ठीक है। तो अगर आपके मन में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को लेके आपके मन में कोई भी सवाल अगर है तो आप हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।